सो हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अपने पेट्रोल इंजन वाले पुराने स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदल सकते हैं, जिसमें आपका बहुत ही कम खर्च होगा और पैसों की होगी बम्पर बचत। जिसके पास पहले से दोपहिया वाहन है, उनके मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि वह अपने मौजूदा पेट्रोल इंजन वाले स्कूटर को इलेक्ट्रिक में बदलवा सकें तो पैसों की काफ़ी बचत होगी। तो ऐसे ग्राहकों के लिए अब खुशखबरी है, पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के कारण आम लोग अब वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के गहरी दिलचस्पी लेने लगे हैं। इसी वजह से दोपहिया वाहन सेगमेंट में हाल के दिनों में कई वाहन निर्माताओं ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटरों को लॉन्च किया है। इतना ही नहीं, बाजार में पहले से भी कई इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं। फिलहाल इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमतों थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन इन्हें चलाने का लागत काफ़ी कम होता है और लंबे समय में ये पेट्रोल इंजन वाले स्कूटर की तुलना में काफ़ी सस्ते साबित होते हैं। हालांकि जिनके पास पहले से दोपहिया वाहन है, उनके मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि अगर वे अपने मौजूदा पेट्रोल इंजन वाले स्कूटर को इलेक्ट्रिक में बदलवा सकते तो पैसों की काफ़ी बचत हो जाती। बेंगलोर की कुछ स्टार्टअप कंपनियों ने ऐसी ही एक अनूठी पहल शुरू की है। ये कंपनियाँ अपने पेट्रोल इंजन वाले किसी भी पुराने स्कूटर को इलेक्ट्रिक में बदल देगी। इसके लिए पैसे भी कोई खास ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, एक कंपनी आपके मौजूदा स्कूटर को हाइब्रिड स्कूटर बनाने का विकल्प भी दे रही है। ये बात करते हैं इनके बारे में। बंगलोर में राइड शेयरिंग की सर्विस देने वाली स्टार्टअप कंपनी बाउंस ने ऐसे ही एक ज़बरदस्त योजना शुरू की है। कंपनी किसी भी इंटरनल कंबशन इंजन वाले पुराने स्कूटर में इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी को फिट कर उसे इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदल देती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस सर्विस के लिए सिर्फ 20,000 रुपये की फीस लेती है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पुराने स्कूटर में एक रेट्रोफिट कन्वर्जन किट लगाती है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक शामिल होता है। स्टार्टअप बाउंस के को-फाउंडर विवेकानंद हल्लेकरे ने बताया कि कंपनी ने एक शुरुआत के तौर पर पुराने परंपरागत स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदलना शुरू किया था, लेकिन उन्हें जल्दी ही महसूस हो गया कि पेट्रोल इंजन वाले स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदलने की बढ़ती मांग के साथ इसका बाज़ार काफ़ी बड़ा हो सकता है। पाउंस के मुताबिक उन्होंने अब तक 1,000 से ज़्यादा पुराने स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदल दिया है। हल्लेकरे का कहना है कि कंपनी अपने यहाँ कन्वर्ट कराए गए स्कूटरों के लिए एक सर्विस सेंटर खोलने की भी योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि उनको बदलवाए गए स्कूटर में जो बैटरी किट लगाई जाती है, उसे एक बार फुल चार्ज करने पर आपका स्कूटर 65 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह किट ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित है। पुराने स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदलने के काम में हो रहे फायदे को देखते हुए बाउंस के बाद अब कई नई कंपनियाँ भी इस क्षेत्र में उतर आई हैं। इट्रियो और मेलाडाथ ऑटो कंपोनेंट जैसी कंपनियाँ ऐसे किट लेकर आई है जिससे पुराने स्कूटर को इलेक्ट्रिक में बदला जा सकता है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें धीरे धीरे दुनिया को वैकल्पिक ईंधन चलाने वाले परिवहन की ओर मोड़ रहे हैं। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक सिंपल एनर्जी ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जबकि एथर, बजाज ऑटो और TVS जैसे वाहन निर्माता पहले से कई स्कूटर की बिक्री कर रहे हैं। हाइब्रिड स्कूटर बनवाने का भी विकल्प है। बता दें कि मेलाडास एक ऐसी इजी हाइब्रिड किट लाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि पुराने पेट्रोल स्कूटर को इलेक्ट्रिक हाइब्रिड स्कूटर में बदल दिया जाएगा। यानी इस स्कूटर को आप पेट्रोल और बैटरी किसी भी मोड पर चलाया जा सकता है। अगर बैटरी का चार्ज खत्म हो गया तो आप बेफिक्र होकर पेट्रोल पर इसे चला सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने पेट्रोल स्कूटर को हाइब्रिड स्कूटर में बदलने के लिए मेलाडास 40,000 रुपये तक चार्ज करेगी। सो गाइज़, ये इन्फॉर्मेशन थी इलेक्ट्रिक स्कूटर को में बदलवाने की, कि आप पेट्रोल इंजन को कैसे इलेक्ट्रिक में बदलवा सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज़।